नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज 26 अक्टूबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज में पंजाब में हुए दो रेड, एक साइकिल बिजनेस में एंगेज एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो है इमिग्रेशन एंड स्टडी वीजा रिलेटेड सर्विसेज में है, तो दो ग्रुप पे उन्होंने रेड डाला, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उन्होंने क्या कहा है प्रेस रिलीज में, आइए देखते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट कैरिड आउट सर्च एंड सीजर ऑपरेशन इन टू ग्रुप बेस्ड इन पंजाब। सर्च ऑपरेशन इन द केस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप जो है इनिशिएट किया गया 21 अक्टूबर 2021 को। ग्रुप इज एंगेज इन द साइकिल बिजनेस। ग्रुप हैज बीन फाउंड टू इन्वॉल्व इन सप्रेशन ऑफ इनकम बाय शोइंग बोगस इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन विद इन द ग्रुप कंसर्न। उन्होंने क्या किया था, इनकम को सप्रेस किया गया था। कैसे किया था सप्रेस, बाय बोगस इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन दिखाकर उन्होंने इसको सप्रेस किया था इनकम को विद इन द ग्रुप। ग्रुप वाज फाउंड टू हैव बीन इन्वॉल्व इन रिसीविंग सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द सेल कंसीडरेशन इन कैश एंड देयर बाय सप्रेसिंग द टर्नओवर। तो यहां पर सप्रेशन ऑफ द टर्नओवर का भी बात है। सीज डॉक्यूमेंट रिवील सेपरेशन ऑफ द टर्नओवर अराउंड 90 करोड़ का पर एनम का, ये सेपरेशन ऑफ टर्नओवर है। इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द अनडिस्क्लोज्ड सेल ऑफ द स्क्रैप हैव आल्सो बीन सीज। तो अनडिस्क्लोज्ड सेल ऑफ द स्क्रैप भी से रिगार्डिंग भी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिले हैं इसमें। Search also reveal undisclosed investment by the group member in immovable property. इसके जो involved group member हैं, उन्होंने immovable property में investment कर रखा है सारे लोगों ने। Search action has led to deduction of unaccounted income of about 150 crore, 150 crore का unaccounted income detect किया गया है इसके अंदर। Search resulted in seizure of unaccounted cash of 2.25 करोड़, सवा 2 करोड़ का कैश सीज किया गया है। इसके अलावा अनअकाउंटेड गोल्ड जो है 2 करोड़ का अनअकाउंटेड गोल्ड भी सीज किया गया है। पहला ग्रुप हो गया आपका, दूसरा ग्रुप जो है वो जलंधर बेस है, जिसे वो इंगेज है था इमिग्रेशन एंड स्टडी वीजा रिलेटेड सर्विसेज टू द स्टूडेंट। सर्च एक्शन इन द ग्रुप वाज इनिशिएटेड ऑन 18th October 2021 को ये इनिशिएट किया गया था। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, सर्च एक्शन हैज रिवील, क्या रिवील किया इसने, ग्रुप यूज्ड टू चार्ज ए पैकेज, एक पैकेज चार्ज करता था वो रेंजिंग बिटवीन 10 लाख टू 15 लाख पर स्टूडेंट, 10 लाख से 15 लाख का एक स्टूडेंट का पैकेज चार्ज करता था, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री वेयर द स्टूडेंट विशेस टू परस्यू एजुकेशन। एजुकेशन के रिगार्डिंग किस कंट्री में एजुकेशन करना है उसके रिगार्डिंग वो पैकेज 10 लाख से 15 लाख का वो चार्ज करता था। ये ऑलमोस्ट इंटायर रिसिप्ट ऑफ द ग्रुप एग्रीगेटिंग मोर देन 200 करोड़ एंड द लास्ट 5 ईयर आर इन कैश। ठीक है, तो यहां पर जो रिसिप्ट इनका है मोर देन 200 करोड़ लास्ट 5 ईयर में उन्होंने कैश में रिसीव किया था। इट हैज बीन फाउंड दैट bank account of the employee they have been used to receive money which was subsequently withdrawn in cash. Profit earned from such receipt has never disclosed in the income tax return file. और ये जो पैसे लेते थे वो employees के account के through लेते थे और बाद में उसको withdraw cash में करके उसको दे दिया जाता था, और ये इससे जो प्रॉफिट अर्न था उसको उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में कभी फाइल नहीं किया, दिखाया नहीं। ओनली द कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो कमीशन रिसीव्ड था हैज बीन शोन एज रिसीव्ड इन द इनकम टैक्स रिटर्न बाय द मेंबर्स टू द ग्रुप। सर्च एक्शन हैज लीड टू डिडक्शन ऑफ अनअकाउंटेड इनकम ऑफ अबाउट 40 करोड़ का अनअकाउंटेड इनकम डिटेक्ट किया गया। Search action resulted in seizure of unaccounted cash of 20 lakhs and seizure of the unaccounted jewelry of the 33 lakhs. So, ye do search operation Punjab mein carry on kiya gaya. Iske ye consequences the. Thank you for watching this update.